कैसे चोट लग गई? काजू कैसे चोट लगी? भैया को कैसे चोट लगी? नहीं पता। जा दादी आगे देखो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छी होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे 8, तो डुगू चला गया स्कूल। और स्कूल जाने के बाद ये देखिए, मेरे से फिर से ड्यूटी लग जाती है। आधा खाना बन चुका रहता है, आधा बाकी रहता है, क्योंकि सुबह इतना बिजी रूटीन हो गया जब से डुगू का एडमिशन हुआ है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल बिजी रहती हूँ। 8 बजे तक तो पक्का ही बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। सुबह उठते ही मतलब उसको रेडी वेडी करना, घर के भी काम इतने सारे हो जाते हैं। तो डुगू को मतलब स्कूल भेज दी हूँ, पराठे बनाई थी उसके लिए और आलू की भुजिया। और उसी टाइम मैं चाय भी बनाता लाल वाली, और चावल भी बन चुका है। अब बस सब्जी और रोटी बनाना बाकी है। तो देखिए, आज बनाऊंगी अलग सब्जी, कटहल का कोफ्ता बनाऊंगी, पहली बार बनाऊंगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ तो आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो इस कटहल को मैं काट ली हूँ, यह हल्का सा पका हुआ दिख रहा है क्योंकि थोड़ा पीला पीला कलर का दिख रहा है। तो पहले इसे उबाल लेंगे क्योंकि कटहल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। और कटहल का कोफ्ता एक बार ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। तो कटहल को मैं उबालने के लिए रख दी, उसमें हल्का सा नमक डाल दी हूँ। और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ जब तक जल्दी जल्दी। और डुगू चला जाता है तो बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ और आराम से काम करती रहती हूँ। और 1 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। शुरू में दिक्कत हुई लेकिन अब आदत सी हो गई है। स्कूल जाते वक्त उसको लग गई थी चोट हाथों में, तो फिर वो रोने लगा। तो फिर उसको मैं मनाई और फिर मैं बोली जाओ दादी के पास, दादी कहाँ है, जाओ स्कूल टाइम हो गया है। तो फिर वो चला गया। और इधर मैं भांजे से पूछ रही थी कि बाबू को चोट कैसे लगा आपके भैया को, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि कैसे लगा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कटहल उबल चुका है, तो इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो इधर मेरी रोटी भी बन चुकी है और साइड में मैं रख दी हूँ, सिर्फ सब्जी बनाना बाकी है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कटहल के कोफ्ता बनाने में बहुत ज़्यादा डबल मेहनत रहती है इसमें। और जब भी मतलब मेरा किचन ना फैल जाता है तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, खाना वगैरह सब मैं बना लेती हूँ, तभी मैं जाके आराम से लास्ट में किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो इधर मेरा जब तक मतलब जो मैं उबाली थी उसे छान के अलग रख लूँगी ठंडा होने के लिए, और इधर बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। और आप सभी से मुझे एक बात शेयर करनी है कि हमारे घर में एक सदस्य की एंट्री होने वाली है, वो कौन है? तो आप सभी को समय आने पर पता चल जाएगा कौन एंट्री लेने वाला है या लेने वाली है। तो आप सभी को वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो उसके लिए मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो सदस्य कब आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बता दूँगी कि क्या है, कौन आने वाला है कौन नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और इधर देखिए, मैं जैसे पकौड़ी बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल 2 कॉपी बनाना है। इसमें बेसन, हरी मिर्च, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक और हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। इसे गोल गोल बना लेंगे, बरी जैसे बनाते हैं गोल गोल करके, और उसके डीप फ्राई कर लेंगे रिफाइन में। और फ्राई करने के बाद जैसे सब्जी छौंकी जाती है वैसे ही बनता है ये भी कटहल का कोफ्ता। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इधर देखिए, मेरा बरी बन चुका है, इसे फ्राई करके साइड में रख दी हूँ। इधर मतलब दूध गर्म हो रहा है, सॉरी, इधर साइड में दूध गर्म हो रहा है। और दूध ना बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बड़ी कोशिश करने के बाद ये पाव भर दूध मिल रहा है भांजे जी के लिए। इधर मेरा मसाला का पेस्ट भी तैयार हो चुका है, और जो बिया था निकला हुआ कटहल में से उसे भी मैं फ्राई कर दी हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इधर फ्राई करने के बाद इधर मैं तड़का लगा दी हूँ। तड़का लगाने के बाद जो मैं मसाले का पेस्ट तैयार की थी उसे ऐड कर दी हूँ, और अच्छे से इसे पका लेंगे। मसाला अच्छे से पक जाता है ना तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें।
तो देखिए मसाला पकने के बाद इसमें अपने अनुसार पानी ऐड कर देंगे, जितना ग्रेवी गाढ़ा या पतला चाहिए उसी के अनुसार। और ये पानी में एक दो उबाल आने के बाद इसमें जो भी ये पकौड़ी बना रखे हैं कटहल का, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा कटहल का कोफ्ता बनके तैयार है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना था, फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पापा जी तो पहचान में नहीं कर रहे, तो मतलब मैं पूछी थी पापा जी से ये क्या है, तो पापा जी पहचान ही नहीं पाई ये क्या है। जब खा लिए तब कह रहे शायद कटहल का है, तो पापा जी को पता नहीं था ये क्या है। तो मैं बोली पापा जी आज मैं बनाई फर्स्ट टाइम कटहल का कोफ्ता, आप सबको कैसा लगा? तो मम्मी जी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अब पापा जी कह रहे बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है कि ये कटहल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। तो मेरा तो दिल खुश हो गया है, मतलब कुछ भी बनाओ और तारीफ मिल जाए तो इससे बड़ी क्या है। तो खाना वाना बनाने के बाद सब कोई खा चुके थे, तो फिर मैं घर का काम निपटा ली थी और सारा काम फिनिश करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करी थी। फिर जब तक डुग्गू आ गया स्कूल से, तो इस टाइम बज रहा है 1:30 बज रहा है, तो डुग्गू कह रहा था मम्मी मैं अनार खाऊंगा, तो इधर मैं डुग्गू के लिए अनार छील रही हूँ। मैं भी खाऊंगी और डुग्गू को भी दूंगी अनार खाने के लिए, और अनार खिलाने के बाद फिर उसे मेरे को खाना भी खिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अनार खाने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं कुछ देर बाद। और इधर मैं अपना, मतलब ये मेरी ननद का फ़ोन है, तो उन्हीं के फ़ोन में मैं फ़ोन चला रही थी, कुछ देख रही थी। और क्योंकि ननद जी गई हैं दूसरे वाले, मतलब घूमने गई हैं ऐसी, तो फिर डुग्गू कह रहा था मम्मी अनार के साथ ना वो नाशपाती भी छील के लेके आना, तो मैं फिर उसके लिए नाशपाती भी छील के लेके जा रही हूँ। और ये नाशपाती ना मतलब एक से एक महीना ही शायद मिलता है या 15-20 दिन, इसके बाद दिखाई नहीं देता, ये साल में एक ही बार दिखाई देता है नाशपाती। और किस किस को नाशपाती पसंद है बताइएगा जरूर कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ देर बाद। फ्रेंड्स मैं अनार और नाशपाती खा ली हूँ और डुग्गू को भी खिला दी हूँ। तो मैं आप सभी को कुछ दिखाना था, तो कल आया था पार्सल, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये देना, और क्योंकि मन करता था इसी वजह से। तो क्या मंगवाई हूँ मैं ऑर्डर करके, तो आप सभी बने रही है। और आज मैं थोड़ी चंपू बनी हूँ, कल बाल धोना है इसीलिए, तो बाल धोने से पहले मैं एक दिन ऑयलिंग जरूर करती हूँ। तो चलिए ये देखिए, अभी खोले नहीं है, बस देवर जी थोड़ा खोल के देते हैं कि वो सामान है कि नहीं। तो मैं आपके सामने आज मैं खोल रही हूँ। तो डुग्गू कब से कह रहा था मम्मी जल्दी खोलो ना, क्या है मुझे भी देखना है। गया है दूसरे वाले घर पर, तो चलिए खोलते हैं। और ये मैं मंगाई हूँ मिक्सू से, तो पता नहीं आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, दोनों तरफ दिखा दिया जाता है। और आज सुबह से इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मौसम भी अच्छा है आज, मतलब इतनी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, हवा चल रही है ना इसी वजह से गर्मी नहीं है। तो ये देखिए खोल रहे हैं, पैकिंग बहुत अच्छे से करके दे रखा है। दो मंगाई थी, तो इस टाइम ऑफर चल रहा है ना, इसलिए तो सीजन है, फेस्टिवल आ रहा है, एक से बढ़कर एक के बाद एक, इसीलिए तो ऑफर चल रहा है। तो आप सभी जान जाएंगे क्या क्या है, समझ गए। तो एक है जो हल्का हल्का, मतलब प्रेस करके हल्का हल्का छोटा छोटा कंडी रहता है उस टाइप का है ये वाला, और ये वाला घुंघराले वाला है। तो दोनों ये मिल रहा था, इसके साथ ये फ्री मिला है, तो दोनों में एक साथ मतलब कम बजट में मिल रहा था, इसलिए मैं दोनों मंगा ली हूँ। और एक वो बिल्कुल स्ट्रेट करने वाला है, तो मैं पहले से शादी से पहले इसे मैं खरीदी थी, वो काफ़ी महंगा पड़ा था क्योंकि उस टाइम न्यू था, और वो मैं मंगाई थी उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, वो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो वो था, ये दोनों मेरे पास नहीं था। तो जैसे फंक्शन भी आ रहा है, और मेरे को इस बार हर त्यौहार, मतलब मैं कोई भी फास्ट उठाई नहीं हूँ, तो इस बार मैं सोची हूँ फास्ट उठाऊँगी। तो जैसे जैसे जो भी मेरा फर्स्ट फास्ट होगा, जो भी मैं उठाऊँगी, तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी।
तो इसलिए इस चीज़ की मेरे को काफ़ी ज़रूरत था, क्योंकि मैं एक ही हेयर स्टाइल करती हूँ। अब मेरे को घुंघराले बाल करना बड़ा पसंद है, तो मैं सोची मंगा ही लेते हैं, देखते हैं यूज़ करके कि अच्छा यूज़ होता है कि नहीं। मंगा तो ली हूँ, अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं। तो खोल के भी दिखा देते हैं, एक घुंघराले करने वाला है और एक हल्का हल्का प्रेस करने वाला रहेगा, और हल्का हल्का घुंघराले रहेगा। तो कोई डिजाइन बनाना हो बालों का उस टाइप का आइए। तो ये देखिए, जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगी। अभी मैं यूज़ नहीं की हूँ, बस आप सभी को दिखा रही हूँ। अगर आप सभी को मंगाना हो तो मंगा सकते हैं आप सभी। अभी इसका एक ऑफर चल रहा है, तो ये देखिए, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कैसे क्या करना है उस हिसाब से। तो यूज़ कर, जिस दिन हम यूज़ करेंगे उस दिन आपको दिखाएंगे। और ये है घुंघराले करने वाले। तो क्योंकि इस बार ना शादी भी है, शादी फंक्शन में भी जाना है और त्यौहार भी काफ़ी आ रहे हैं, तो ज़रूरी था ये चीज़, दोनों मेरे को लेना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं मंगवा ली। ये कोई चीज़ अपने पास रहती है ना, तो जो मर्जी वो उस सामान से अपना यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। डुब्बू भी आएगा तो उसे भी मैं दिखाऊंगी, वो कल से ही रट रहा है, मम्मी दिखाओ ना क्या है इसमें। तो इसे रख देते हैं। ये दोनों सामान आप सभी को कैसा लगा, यूजफुल है कि नहीं? मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, और कम बजट में मिल गया तो मैं ले ली इसे। और जिस दिन मैं मतलब रील्स बनाऊंगी तो इसको यूज़ करूँगी, तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगी। ओके, उस दिन अभी मैं यूज़ नहीं की हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, और ये मतलब ख़राब भी होगा तो रिटर्न वापस हो जाएगा। वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा है तो ख़राब तो होगा नहीं, तो जिस दिन यूज़ करेंगे तो बताएँगे। और मैं आप सभी को अभी यूज़ करके दिखाती, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बोलेंगे कि यूज़ करके नहीं दिखाई, तो मैं जिस दिन बाल धोऊंगी और जिस दिन मेरे को काम करना होगा, रील्स बनाना होगा, तो उस दिन मैं यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं चम्पू बनी हुई हूँ, ऑयली है, तो इसलिए यूज़ करना ना बराबर है, कोई हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा इसलिए। तो जिस दिन हेयर वॉश करूँगी तो चलिए फ्रेंड्स, आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले मिलती रहे। और जो जो मेरे से नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर, तो आप सभी पूरा वॉच कीजिए, पूरा सपोर्ट किया करिए, और लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तो अपना प्यार आशीर्वाद जी बनाए रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और आज का मौसम आप सभी को दिखाते हैं कितना अच्छा है। तो आज मैं ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हवा आ रहा है, तो दिखाते बैग का मिल गया। बहुत अच्छा हवा चल रहा है, यहाँ से सोएंगे ना सुकून से अच्छी नींद आएगी। तो कई हफ्तों से ना, एक दो हफ्ते से काफ़ी गर्मी थी, लेकिन आज थोड़ा सुकून मिल रहा है, थोड़ी बारिश हो जाए ना, बादल तो लगा हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, देखते हैं। बारिश होता ही नहीं रात में, आज शाम हो गई है, मतलब साढ़े चार बज गए, अब रात में देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। सुबह से तो हुई नहीं, मौसम ऐसे ही सुबह से ख़राब है, हवा चल रहा है। तो हर हर महादेव, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।